हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में TDS को कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी के मेन मेन्यू में एंटर होना है। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी के मेन मेन्यू में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलाय में TDS को एप्लीकेबल करने के लिए हम यहाँ मास्टर्स में जाएंगे, अकाउंट पे एंटर करेंगे, एड एडिट पे एंटर करेंगे। यहाँ हमें जिस परचेज की डे बुक में TDS को एप्लीकेबल करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे परचेजेस की डे बुक को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। TDS एप्लीकेबल, यहाँ पे हम वाई मतलब कि यस एंटर कर देंगे। नेक्स्ट TDS हेड, आपको यहाँ पे जो भी TDS का हेड लेना हो वो आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे जॉब वॉक एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट TDS अकाउंट कोड, यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे और TDS सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट TDS परसेंटेज, यहाँ पे आपको डे बुक में जो भी TDS का परसेंटेज सेट करना हो वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। हम यहाँ पे 2% सेट कर रहे हैं। इसी तरह से हम एंटर करके यहाँ पे डू यू कन्फर्म में येस कर देंगे, सेव हो जाएगा। यहाँ हमने डे बुक में TDS का रेट सेट कर दिया है 2%। नेक्स्ट हमें अकाउंट मास्टर में भी TDS एप्लीकेबल करना है। इसके लिए हम फिर से मास्टर अकाउंट एड एडिट में जाएंगे। यहाँ पे आप जिस क्रेडिटर अकाउंट में TDS को एप्लीकेबल करना चाहते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। हम यहाँ पे AB टैक्स पार्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एंटर करते जाएंगे। TDS परसेंटेज, यहाँ पे हम अकाउंट में जो भी हमें TDS का परसेंटेज सेट करना हो वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे 5% ले रहे हैं। अकाउंट में TDS परसेंटेज सेट कर दिया है हमने। यहाँ पे हम डू यू कन्फर्म में येस कर देंगे और सेव कर देंगे इसे। अकाउंट में TDS एप्लीकेबल और TDS रेट डाल दिया, मतलब इस अकाउंट के लिए 5% TDS कटेगा, अदरवाइज बाकी सभी अकाउंट्स के लिए 2% TDS कटेगा जो हमने डे बुक में सेट किया था। इस तरह से आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में TDS को एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।